मशहूर टीवी एक्ट्रेस वीना कपूर की हुई निर्मम हत्या। अपना ही खून बना खून का प्यासा। 12 करोड़ के फ्लैट के लिए बेटे ने कर डाला बूढ़ी माँ का मर्डर। बेसबॉल के बल्ले से ली माँ की जान और माथेरान के जंगलों में फेंक दिया शव। जी हाँ, ये सारी बातें किसी फिल्म या टीवी सीरियल की कहानी नहीं है, ये कड़वा सच है। और एक ऐसा कड़वा सच जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया है। पूरी टीवी इंडस्ट्री तो मैंने जैसे हिल गई हो। जी हाँ, टीवी की दुनिया से माँ बेटे की एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली ऐसी बेहद शॉकिंग न्यूज आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। दिग्गज अदाकारा वीना कपूर की जान का दुश्मन उनका अपना ही बेटा बन गया। जानकारी के मुताबिक 74 साल की वीना कपूर के मर्डर के आरोप में उनके 43 साल के बेटे सचिन कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि बेसबॉल के बल्ले से मार मार कर सचिन कपूर ने अपनी मां की हत्या कर डाली। इतने पर भी उस शख्स का पत्थर दिल नहीं पिघला। अपने गुनाहों के सबूत मिटाने के लिए सचिन ने अपनी मां का शव फ्रिज के कार्टन में डालकर माथेरान के जंगल में नदी में फेंक दिया था। वीना कपूर के मर्डर सुनने के बाद हर कोई स्तब्ध है। एक्ट्रेस की मौत की जानकारी उनकी को एक्ट्रेस रही नीलू कोहली ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख कर दी है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस के बेटे ने जुर्म को अंजाम प्रॉपर्टी विवाद के चलते दिया था। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब यूएस में रहने वाले एक्ट्रेस के दूसरे बेटे ने अपनी माँ से संपर्क साधना चाहा। कई कोशिशें करने के बाद भी जब वीना से बात नहीं हो पाई तब उन्होंने अपनी मां के लिए एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई और इसी के बाद मुंबई पुलिस भी फौरन हरकत में आई, जिसके बाद इस शॉकिंग हत्याकांड का खुलासा हुआ है। एक्ट्रेस नीलू कोहली ने अपने पोस्ट में जानकारी दी है कि एक्टर जितेंद्र के बंगले से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर वीना कपूर ने अपने बेटे सचिन के साथ कल्पाट्रू सॉलिटेयर हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में रहा करती थी। ये हत्या इसी फ्लैट की वजह से हुई है। इस फ्लैट की कीमत 12 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 करोड़ के इसी फ्लैट पर कब्जा करने के लिए वीना के बेटे ने उनकी हत्या कर डाली। इसी फ्लैट में वीना कपूर का बेरहमी से मर्डर किया गया। पुलिस ने एक्ट्रेस के बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक सचिन ने अपनी माँ के सिर पर बेसबॉल के बल्ले से कई बार वार किए थे। माँ की हत्या करने के बाद उसने शव को पहले प्लास्टिक की पन्नी में और फिर फ्रिज के कार्टन में डाल दिया। सचिन ने नौकर की मदद से इस कार्टन को माथेरान के जंगल में ठिकाने लगा दिया।